एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जन हूँ मेरे हॉस्पिटल करनाल में। आज मैं आप सब लोगों को मिनिमल इन्वेसिव जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। कभी भी कोई पहले सर्जरी जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती थी उसमें जो स्किन खोलने के बाद मांसपेशी को कट करके ही बोन तक पहुंचा जा सकता था, वही एक ओनली तरीका था। बट जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो मांसपेशी है उनको हील करने के लिए अबाउट 3 to 4 weeks का टाइम लगता था, जो कि पेशेंट के लिए पेनफुल ड्यूरेशन रहता था। बहुत सारे पेशेंट ऐसे कंप्लेंट करते कि नी रिप्लेसमेंट तो अच्छा हो गया पर जब हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके दौरान हमें पेन महसूस होता है। उस पेन का कारण था जो काटी हुई मसल जो हमें घुटने तक पहुंचने के लिए चाहिए। अब लेटेस्ट टेक्निक जिसको हम मिनिमल इन्वेसिव नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें किसी भी तरह की मांसपेशी को काटा नहीं जा रहा है। इसको एक स्लाइडिंग डोर टेक्निक बोलते हैं। जैसे एक घुटना है तो सिर्फ चमड़ी खोल के मांसपेशी को स्लाइड कर दिया जाता है और स्लाइड करने के बाद उसमें नी रिप्लेसमेंट करके उसी मांसपेशी को वापस वहीं के वहीं रख दिया जाता है। तो जब किसी भी तरह की कोई भी मांसपेशी नहीं कट रही है तो उसमें जो रिकवरी है वो इमीडिएट है। फास्ट ट्रैक मिनिमल इन्वेसिव नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि फास्ट इन फास्ट आउट सर्जरी, छोटी सर्जरी रहती है ड्यूरेशन की, मिनिमल ब्लड लॉस रहता है और जो पेशेंट है वो सर्जरी करवाने के 4 घंटे बाद ही बिना किसी दर्द के अपने पैरों पर खुद चल सकता है। बाथरूम टॉयलेट सर्जरी के 4 घंटे बाद आप पेशेंट खुद जा सकता है और किसी पे भी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है।